स्वागत है आप सबका दोस्तों हमारे चैनल पर, जिसका नाम है लोग देखेंगे। आज हम आपको नूडल बनाना सिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको चाहिए इसके लिए नूडल्स, कैबेज, कैप्सिकम, ओनियन, स्पाइसेस, सोया सॉस, सॉल्ट, ग्रीन चिली, रेड चिली, ऑयल। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको पहले नूडल्स उबाल लेने हैं। दोस्तों उसके लिए पानी उबाल लें और पानी के अंदर तेल जरूर डाल दें और उसके अंदर कच्चे नूडल्स आप डाल दें। कुछ टाइम उसको गैस के ऊपर पकने दें। उसको आप पकने के लिए जैसे कि रख चुके हैं और उसको थोड़ा बहुत हिलाते रहें। इससे नूडल्स नीचे नहीं लगेंगे और जैसा कि आप देख सकेंगे, थोड़ी देर बाद आपके नूडल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और ये हम अब यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको क्या करना है कि कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल देना है और ऑयल को पहले गर्म कर लेना है। आपको ऑयल को गर्म कर लेना है और उसके बीच फिर आप इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं जो कि हमने रेडी करके पहले रखे थे, जैसे कि ओनियन, और उसको फिर से आप थोड़ा हिलाएं और उसके बाद आप कैप्सिकम ऐड कर दें और फिर आप उसमें कैबेज डाल दें। दोस्तों उसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसको मिक्स करने के बाद आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दें, 2 चम्मच सोया सॉस। दोस्तों सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, हमने इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाला है। ग्रीन चिलीज, रेड पाउडर। दोस्तों ये आप रेड पाउडर और सॉल्ट अपनी टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप उसको अच्छे से मिक्स कर दें और उसको गैस पे थोड़ी देर पकने दें और उसको निरंतर हिलाते रहें, मिक्स करते रहें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट बन के रेडी है मसाला हमारा। तो इसमें आप नूडल्स ऐड कर दें और इसको नूडल्स को आप अच्छे से मिक्स कर दें और आपके नूडल्स बनके तैयार हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सावधान रहें, सतर्क रहें कि आप लगातार किचन में काम कर रहे थे। किचन में गैस होती है, चूल्हा होता है, तो आप उसको बड़ी सावधानी से यूज़ करें।